भौतिक जगत में सभी जीव जो है अनादि काल से भगवान को भूल करके इस संसार सागर में गिर पड़े हैं, और संसार सागर में गिर करके दिन रात अनेकों प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। जैसे स्क्रू जो है गाड़ी से अलग होकर के रोड पर गिर जाता है, और रोड पर गिर करके दिन भर में हजारों लोगों का लात खाते रहता है, वैसे ही संसार में सभी जीव भगवान से अलग होकर के संसार सागर में गिर पड़े हैं, और संसार सागर में गिर करके दिन रात कभी माया का लात खा रहे हैं, कभी देश का लात खा रहे हैं, कभी स्वजनों का लात खा रहे हैं, कभी अपने ही शरीर से जन्मे हुए संतानों की लात खा रहे हैं। इस तरह से भगवान को भूल करके सभी जीव बहुत दुखी है, बड़े शोक में है, बड़े चिंता में है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि आज जो है व्यक्ति के घर में टी सेट है, आज आदमी के घर में किचन सेट है, बेड सेट है, दुनिया का सारा सेट है, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल अपसेट है, दिमाग सेट नहीं है। आदमी दिन रात एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन एसी में बैठे बैठे भी आदमी जलते रहते हैं, क्योंकि आदमी का शरीर तो एसी में होता है लेकिन दिमाग में चिंता रूपी हीटर लगा हुआ है, इसलिए एसी में बैठ करके भी लोग जलते रहते हैं। यह चिंता जलाती रहती है। यह चिंता कैसी है? हमारे चाणक्य पंडित जी कहते हैं इस संसार में चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, बस फर्क इतना है कि संसार का चिता जो है वो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, और यह चिंता जो है जीवित व्यक्ति को ही दिन रात जलाती रहती है। चिता तो मरे हुए आदमी को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीवित आदमी को ही दिन रात जलाती रहती है। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए इस संसार में दो चीज है, एक चिंता और दूसरा चिंतन। ये चिंता और चिंतन ये दोनों ने एक एक व्रत लिया है। चिंता ने व्रत लिया है कि अगर कोई व्यक्ति संसार का चिंता करेगा तो मैं जो है उसको चिता के गोद में बैठा दूंगी, और चिंतन ने व्रत लिया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करेगा तो मैं उसे भगवान के गोद में बैठा दूंगी। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो है चिंता करके चिता की गोद में बैठना चाहते हैं या भगवान का चिंतन करके भगवान की गोद में बैठना चाहते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग प्राय चिंता ही करते रहते हैं। हमारे चाणक्य पंडित जी लिखते हैं कि जैसे इस संसार में अपने को जन्म देने वाली माता के समान इस शरीर का पोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, जैसे अपनी पत्नी के समान, अपनी भार्या के समान इस शरीर का पोषण करने वाला, सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, जैसे विद्या के समान इस शरीर का भूषण कोई दूसरा नहीं है, वैसे ही इस संसार में आदमी का शोषण करने वाला चिंता के समान दूसरा कोई नहीं है। हमारा शोषण करने वाला व्यक्ति हमारे भीतर ही है, और वह है हमारी चिंता। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, चिंता के समान इस शरीर का शोषण करने वाला और कोई नहीं है। हमारे एक संत बहुत सुंदर कहते हैं इस दुनिया के जो कुत्ते बिल्ली सियार होते हैं ना, वे तो हमारे शरीर को काट कर खाते हैं, लेकिन यह चिंता एक ऐसी डाकनी है जो हमारे भीतर ही बैठ करके दिन रात हमारे कलेजे को ही काट काट कर खाती है। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए वैद्य बिचारा क्या करे, कहां कहां मरहम लगाए। अब डॉक्टर जो है हमारे शरीर में कोई मरहम लगा सकते हैं, हमारे कलेजे में डॉक्टर कौन सा मरहम लगाएंगे? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह
संसार में सभी जीव अनादि काल से भगवान को भूल करके बहुत दुखी हैं, बड़े चिंता में हैं, बड़े शोक में हैं। लेकिन कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भले ही कितना ही चिंता में क्यों ना हो, भले ही वो दुख कितने ही दुख में क्यों ना हो, यहाँ तक कि वह शोक के सागर में ही क्यों ना डूबा हुआ हो, अगर शोक के सागर में डूबा हुआ व्यक्ति अगर एक बार भी सुख सागर की कथा सुन लेता है, तो यह सुख सागर की कथा जो है व्यक्ति को शोक के सागर से निकाल के सुख के सागर में डुबा देती है। ये है भागवत की महिमा। वेद व्यास जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। इस भागवत कथा का श्रवण जो है व्यक्ति को सारे शोक और सारे दुखों से मुक्त कर देता है।